वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज हम चंडीगढ़ से 28 किलोमीटर दूर कुराली में हैं। यदि आपने पहले के कुराली के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। और चलिए आज एक और जगह घूमते हैं कुराली में, गोगा देव जी का मंदिर। गोगा देव जी राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि गोगा जी की माँ बाछल देवी को संतान नहीं हुई थी तो वो निःसंतान थी। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी गोगा मेरी के टीले पर तपस्या में लीन थे, तभी बाछल देवी उनके शरण में पहुंच गए। उन्होंने उन्हें अपनी सभी परेशानी बताई, तभी गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। गोरखनाथ ने बाछल देवी को प्रसाद के तौर पर एक गुग्गल नामक दिया। यह प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई। इसके बाद गोगा देव जाहरवीर का नाम हुआ। गूगल फल के नाम से ही इनका नाम गोगा जी पड़ गया। तो आइए इनके बारे में हम कुछ और जानते हैं। गोगा देव गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य थे। इनका जन्म चूरू ज़िले में ददर रेवा गांव में हुआ था। यहां पर लगभग सभी धर्मों के संप्रदाय के लोग आते हैं। मुस्लिम समाज के लोग इन्हें जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं, तो वहीं हिंदू ये स्थान हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। लोक मान्यता व लोक कथाओं की माने तो गोगा जी का को सांपों के देवता का रूप में भी पूजा जाता है। इन्हें गुग्गा वीर, राजा मांडलिक व जाहर पीर के नाम से भी माना जाता है। इनकी जन्मभूमि पर उनके घोड़े का अस्तबल आज भी रखा गया है और आज हम कुराली में इनकी समाधि देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मंदिर में प्रवेश करने के बाद जब आप पीछे की ओर जाते हैं तो वहाँ है यज्ञ कुंड। यज्ञ कुंड में कई त्रिशूल और तलवारें लगाई हुई हैं, जो वेपन्स थे उनके, और उन सारे उसके ऊपर एक पगड़ी है। वहीं पे गोरखनाथ जी की एक प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस मंदिर में बाबा नाहर सिंह द्वान जी हैं, बाबा भैरवनाथ जी हैं, माता काली जी, बाबा सबल सिंह बारों जी, माता बाछल जी और माता सीरियल जी की भी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इस मंदिर तथा समाधि का पर्यावरण बहुत ही शांतिपूर्ण है। यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको शांति अनुभव होगी। अब बढ़ते हैं गोगा जी की समाधि की ओर। गोगा जी की समाधि के ऊपर एक पगड़ी रखी गई है और पगड़ी शान का प्रतिबिंब माना जाता है। वहीं एक उनके वेपन्स रखे गए हैं, उनकी एक मूर्ति रखी गई है, उनकी एक प्रतिमा बनाकर रखी गई है। वहाँ एक कलश है और उनकी जो समाधि है उस पर उनका घोड़े, जो वो बचपन से चलाते थे, जैसे वो घुड़सवारी करते थे, उसकी भी प्रतिमा बनाई गई है। साथ में सूर्य देव और चंद्र देव को बनाया गया है। यह कक्ष एसी कक्ष है और यहाँ दो सीसीटीवी कैमरा हैं, जो इस कक्ष में हो रही हर एक हलचल को रिकॉर्ड करते हैं। वहीं एक समय देखने के लिए घड़ी लगाई गई है, क्योंकि आज भी मान्यता ये है कि गोगा जी किसी न किसी रूप में यहाँ आते हैं, रहते हैं। प्रवेश द्वार के पास ही लंगर हॉल भी है समाधि के अंदर, ताकि इनके जितने भी भक्त हैं वो कभी भूखे के ना जाएं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद। यदि आपके पास इस मंदिर के बारे में और भी कोई जानकारी हो तो हमें ज़रूर, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।